तुसी लोहड़ी जलाया करो, जदों लोहड़ी बल जावे तिल फली गजक खाया करो। ये गाना अभी बनाया मैंने एकदम से ऑन द स्पॉट, लेकिन रेसिपी अभी नहीं बनाई है मैंने। तिल के लड्डू और ये चिक्की की रेसिपी जो है ना, पट्टी जिसको बोलते हैं, उसकी रेसिपी बहुत पुरानी है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ लोहड़ी बरार, सॉरी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और आपको इस लोहड़ी पे तिल के लड्डू और चिक्की बाहर से ना मंगवानी पड़े, इसके लिए हो जाइए तैयार। रेसिपी के साथ मिलते हैं लोहड़ी के उस पार, नहीं सॉरी म्यूजिक के उस पार। हंसते खेलते बनाना है खाना। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली इंसान जब घर से बाहर निकलना चाहता था ना सर्दियों में, क्योंकि सब अपनी अपनी फैमिलीज में चले गए थे, गेहूं जो है वो बीज दी गई थी, ज़्यादा काम था नहीं खेतों में, सब अपने घरों में चले गए। तो बुजुर्गों ने सोचा भैया कुछ निकालो इनको बाहर, एक ऐसा त्यौहार बनाओ कि वापस से गाँव एक साथ हो। और लोगों को एक साथ करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है आग। कभी सोचेगा आप कि सबसे पहली बाउंड्री आग के किनारे बनी, सबसे पहला कुनबा आग के किनारे बना। उससे पहले लोग बस बटे रहते थे, और ये जितने लोग दरिद्र और आलस से भर गए हैं, इनको खूब सारी शक्कर खिलाओ, गन्ने खिलाओ, गुड़ खिलाओ, ताकि इनके अंदर एनर्जी आए और ये थोड़ा डांस वांस करें और खेतों में जाके काम करें। और हम जितना मर्जी बोल लें सर्दी सर्दी सर्दी, दुनिया में हर कल्चर सूर्य के आने को सेलिब्रेट करता ही करता है। वेस्ट में स्प्रिंग को सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम लोग लोहड़ी मना लेते हैं, मतलब ठंड पसंद किसी को नहीं है, सब वेट करते हैं सूरज की। तो बेसिकली देखिए दो काम मैंने कर लिए, पीनट्स और तिल। और ये पीनट्स रोस्ट करने के बाद थोड़ी देर ठंडे करने, ठंडे करने के बाद इसका छिलका आसानी से निकलेगा। लंबे पीनट्स में क्या होता है, क्रिस्पीनेस ज़्यादा आती है, छोटे पीनट्स तेल वाले होते हैं तो उनमें तेल ज़्यादा होता है, इसलिए क्रिस्पीनेस के लिए लंबे वाले पीनट्स, जैसे क्रिस्पीनेस के लिए पहाड़ी आलू, वैसे लंबे पीनट्स। नहीं किया ना सब्सक्राइब, पता था मुझे, कर दीजिए, बाल सफ़ेद हो गए मेरे बोल बोल के। देखो जी अगर अमीरों की चिक्की बनानी है ना, तो थोड़े से बादाम बुदुम डाल दो, फील सा आ जाता है। बाकी रेशियो बड़ा सिंपल है, जितने तिल उतना गुड़, जितनी मूंगफली उतना गुड़। और ये बादाम भी टोस्ट कर लेते हैं। गुड़ के दो हिस्से कर दिए मैंने, 300-300 ग्राम के। अब गुड़ जो है कई किस्म का होता है, खजूर का, कोकोनट का, गन्ने का। यहाँ पर गन्ने का इस्तेमाल करना, बिकॉज असली टेस्ट जो है वो गन्ने से आएगा। नॉर्थ का फेस्टिवल है जी, नॉर्थ में खजूर और कोकोनट तो नहीं होता, तो गन्ने का ही गुड़ यूज़ करते हैं, तो इसलिए गन्ने का गुड़ यूज़ करिएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए मोटी जाली से ना ऐसे छिलके निकालने का ये तरीका जो है क्विक तरीका है, इससे भी क्विक तरीका है गांव वाला। थाली ले लीजिए, पीनट को ऐसे क्रश कर लीजिए। ये गांव वाला तरीका जो है शहर के किचन में नहीं हो सकता, इसके लिए खुला किचन चाहिए। तो अब देखिए बेसिकली करना कुछ नहीं, ये करना है। देखिए लिया थाली में, स्टील की थाली में, उसके बाद अगर आप घर के बाहर हैं, खुले मैदान में हैं, घर के बाहर किचन आपका खुला है, तो ऐसे लिया, ऐसे कर दिया। लेकिन अगर आप घर पे हैं, मुंबई जैसे शहर में हैं, अंदर के किचन में हैं, तो ऐसे मत करिएगा वरना मम्मा मारेगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, जूते खाने में हम भी पीछे नहीं रहते, हमें भी पढ़ते हैं तो फिर आपको भी पढ़ेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला कर लीजिए, बेटर है। मोटी छन्नी लेके, अनसॉल्टेड पीनट्स हैं, प्लेन पीनट्स हैं, ठीक है जी। पर छिलके अगर आप निकालेंगे नहीं तो स्वाद नहीं आएगा, सब छिलकों के साथ शक्कर पकड़ लेगी। अब यहाँ पर क्या है, गुड़ को बड़े ध्यान से और धीरे धीरे पकाना है, बीच बीच में गैस से उतारते रहना है, ठीक है ना। गुड़ जल गया सारी मेहनत बेकार है, बता रहा हूँ पहले ही। उसके बाद ऐसे एक एक बूंद लेके पानी में ड्रॉप करना है, ये जब ये पानी के अंदर हो जाए हार्ड, अभी देखिए हार्ड नहीं हुई है, दब रही है ना, तो अभी रेडी नहीं है, बस होने वाली है, अभी भी ऐसे फ्लेक्सिबल है। देखिए ये जो सॉफ्ट है ना अभी यहाँ पर, इसकी जब चिक्की बनेगी फिर वो आपके दांतों में चिपकेगी, है ना, वो स्टिक जॉ बन जाएगा, वो नहीं चाहिए अपने को, तो उसकी चिक्की मत बनाइए, वेट करिए। अभी भी थोड़ी सॉफ्ट है ना, थोड़ा और। शक्कर की साइड्स हमेशा क्लीन रखते हैं, शक्कर जब पकाते हैं ना तो साइड्स हमेशा क्लीन रखते हैं, क्योंकि साइड्स में शक्कर जमनी शुरू हो जाती है फिर बाकी के शक्कर को ख़राब करती है, या फिर साइड्स की शक्कर जलनी शुरू हो जाती है और बाकी की शक्कर को कड़वा करती है। बस ये लास्ट बबलिंग है, इसके बाद ये मानेगी नहीं, कैरेमल की तरफ चलती चली जाएगी। अब इसके अंदर डालनी है जी थोड़ी सौंफ, डालेंगे मज़ा आएगा, चिक्की में सौंफ अच्छी लगती है ना। ट्राई कर लेते हैं एक बार, ये देखिए अब आपको यहाँ पे सुनाता हूँ आवाज़।
मतलब शक्कर रेडी है, हार्ड बॉल स्टेज जो है वो आ गई है। देखिए गैस अभी भी चालू है, बिल्कुल स्लो है। यहाँ पे क्वांटिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। शुगर ज़्यादा हो जाएगी तो शुगर दांतों में लगेगी, मूंगफली ज़्यादा हो जाएगी तो फिर चिपकेगी नहीं। शुगर जो है वो सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि बाइंडिंग मिल जाए, वरना फिर बहुत ज़्यादा शुगर ही शुगर आती है मुँह में। अगर आप स्टील की थाली लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। इसके बाद इससे पहले कि चिक्की जो है वापस से सेट होनी शुरू हो जाए, उसको डाल दीजिए बटर पेपर पे या उल्टी थाली करके, और उसके बाद उसको करिए प्रेस कर लीजिए, उसको रोल कर लीजिए, बेलन ले लीजिए, इसको बेसिकली बेल लीजिए। कितना? कम से कम मूंगफली की थिकनेस जितना पतला। अब मोटा मोटी इसको शेप आ गई है, देखिए। अभी क्या है, अगर आपने गरम गरम में नहीं काटा तो फिर ये कटेगा नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए लगे हाथ गरम गरम में काट लें, और अगर आपको लग रहा है कि चिपक रहा है तो शुगर में थोड़ा ऑयल लगा लें, लेकिन ज़्यादा ठंडा ना होने दें वरना कटने लायक रहेगा नहीं। वो जो अभी कट गया तो अभी कट गया, नहीं तो तोड़ना ही पड़ेगा इसको। देखिए जमना शुरू हो गया, ये देखिए जब ये ऐसे स्नैप के साथ टूटे मतलब सही बनी है। मैं खाता हूँ, आवाज आइए एवं माइक के साथ। शुगर के पकाने का खेल है सारा और कुछ नहीं। शुगर सही पकी हो तो चिक्की सही बनेगी। चिक्की बनाते समय टिचकू सा घी डाल सकते हैं आप, हाँ, या फिर टिचकू सा नमक तो ज़रूर डाल दीजिए। जब आप गुड़ पका रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। लेकिन अगर आप शक्कर के साथ चिक्की बना रहे हैं तो उस केस में 100% नमक डालिए डालिए। गुड़ में क्या होता है ना, थोड़े बहुत नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं, शक्कर में बिल्कुल नहीं होते, रिफाइंड होती हो। तो जब आप चिक्की बनाएंगे, शक्कर की चिक्की बहुत मीठी हो जाएगी, उसमें आपको नमक डालना ही डालना पड़ेगा, ठीक है? आइए बस। तिल के लड्डू में क्या है ना, देखिए तिल के लड्डू थोड़ा ट्रिकी है, चिक्की जो है उसमें मेहनत कम है, काम थोड़ा आसान है। तिल का लड्डू ट्रिकी है बिकॉज गरम गरम के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए जब तिल के लड्डू बना रहे हो तो एक दो लोग बुला लीजिए जिनको हाथ में थोड़ी गर्मी पसंद हो। अकेले आप लड्डू नहीं बना पाएंगे, बहुत सारा मिक्सचर होगा, फटाफट फटाफट लड्डू बनाने होंगे, आप लड्डू बना रहे होंगे और जल्दी जल्दी मिक्सचर सेट होता जाएगा। नहीं तो तिल की भी चिक्की बना लीजिए और पतली बेल लीजिए तिल की चिक्की। तिल का हम लोग जिसे पापड़ बोलते हैं ना, वैसे बना सकते हैं आप। ये गया थोड़ा सा सॉल्ट। हाँ, एक बार क्या था, जब हम छोटे थे मतलब नया नया काम शुरू किया था, तो आउटडोर केटरिंग से तेल के पीपे में गुलाब जामुन की चाशनी भर के आ गई, और हमने वो डाल दिया एयर फ्रायर में। हमने सोचा तेल है, तेल के पीपे में था, और जब एयर फ्रायर मतलब सॉरी डीप फैट फ्रायर यानी कि तेल का फ्रायर किसी ने ऑन किया तो एक घंटे बाद उसमें लग गई आग, क्योंकि शक्कर हो गई काली। तो वैसे नहीं करना है, कि रणवीर ने बोला अभी तो बहुत दूर है, शक्कर घूम के आना है, जब तक आप वापस आएंगे तो वैसे ही हो जाएगा। साइड स्क्रेप करते रहना है उससे कि शुगर ओवरकुक ना हो या कि वापस से कैरामलाइज ना हो। शुगर या गुड़ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तिल के लड्डू के लिए थोड़ा सा घी, उसके बाद तिल के लड्डू बनाने के लिए हमको चाहिए तिल। एल गैस बंद नहीं करी है मैंने। तिल आप जितना गर्म रखेंगे उतने सुखी रहेंगे, ठीक है? अभी क्या करना है, देखिए तिल और शक्कर को मिलाते रहना है ताकि अच्छे से बराबर से कोट हो जाए। एक एक दाना जो तिल का है ना उस पर गुड़ लग जाना चाहिए, वही इसकी मोनोपोली है। और गैस बिल्कुल स्लो। ये देखिए, इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ज़रूरी है, अनुपात बहुत ज़रूरी है, इक्वल क्वांटिटीज़। ये बड़ा वैसे झंझट है, कहाँ पता है, मैं तो चिक्की चुक्की बना के साइड कर देता हूँ तिल की। तिल का पापड़ बनाओ साइड करो, सरदर्दी का काम है तिल के लड्डू। गरम गरम हाथ जलाओ, ठीक है जी। पहले एक काम करते हैं, पहले पापड़ी बना देते हैं तिल की, थोड़ा सा बचेगा उसके लड्डू बना लेंगे। देखो टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है? हीरो नहीं बनना चाहिए मुफ्त का, घी लगाना चाहिए और मिक्सचर फैलाना चाहिए। बस घी लगाया और ये मिक्सचर फैलाया और ये बेलन से दबाया। यहाँ पर जितना जोर लगा लेंगे उतने सुखी रहेंगे।
अब इसी को लोग सेसमी ब्रिटल बोल देते हैं जो ज़्यादा अंग्रेजी में पढ़े होते हैं। हम लोग तिल पापड़ बोल देते हैं। चीज वही है, सेम चीज। फटाफट से गरम गरम में काम करें ताकि शेप कट जाए, बाद में हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। ये देखिए जम रहा है ना फटाफट। ये देखिए साइड्स पहले जमती हैं। देखिए लोहड़ी में जो सबसे कॉमन गाना है वो गाया जाता है दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे ने ती, ऐसा कुछ गाना है ना। और लोगों को लगता है किसी दुल्हे की बात हो रही है, एक्चुअली दुल्हे की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अब्दुल्ला भट्टी की। अब्दुल्ला भट्टी जो थे वो पटियां गांव जो है आज के पाकिस्तान वाले पंजाब में है, वहाँ पर एक ज़मींदार के बेटे थे। मुग़लों के बहुत खिलाफ थे और मुग़लों के जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। अगर मुग़ल जो है ज़्यादा लगान ले जाते थे वो वापस से लूट के लाते थे, गरीबों में बांट देते थे, एक किस्म से उस समय के रॉबिन हुड थे। मुग़ल अगर गांव की लड़कियों को उठा के ले आते थे, उनको वापस लाते थे, उनकी शादी करवाते थे, ब्याह करवाते थे। इसलिए वो लाइन आती है कि दुल्हे ने ती वे आई, मतलब दुल्हे ने बेटी की शादी करवाई, राइट। और वो जो दुल्ला भट्टी का जो लेजेंड है, लोगों ने गाने के ज़रिए दुल्हे भट्टी की बात करनी शुरू कर दी। यूँ समझ लीजिए कि हमारे इंडियन रॉबिन हुड थे, 1547 से लेकर 1599 तक रहे, और कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है उनकी, किसी किताब में उनका नाम नहीं है। लेकिन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अगर किताब हिस्ट्री की मुग़ल लिखेंगे तो कहानियाँ हम गा सकते हैं। और उस फोकलोर में, उन कहानियों में, हर लोहड़ी पे दुल्ला भट्टी को आज तक पंजाब में याद किया जाता है। पावर ऑफ फोकलोर देख लीजिए आप, लोक कथाओं की हिस्ट्री को संभालने की पावर आपके सामने है। आगे से कोई भी लोहड़ी पे दुल्ला भट्टी वाला गाए तो आप समझ लीजिएगा बात किसकी हो रही है, और दुल्ले भट्टी को एक बार याद कर लीजिएगा। राय अब्दुल्ला भट्टी। बड़ी मेहनत करवाई आपने आज, इस काम से मैं इतना चलता था, आपने वो काम करवा दिया आज मुझसे। अब अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया ना, फिर हम बता रहे हैं आपको, कभी लड्डू नहीं बनेंगे आपके ज़िंदगी में। एक तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं महाराष्ट्र में, नरम वाले, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, इतनी मेहनत नहीं करवाते। देखो इसीलिए मैंने महाराष्ट्र में शादी करी, क्योंकि इनके तिल गुड़ के लड्डू बड़े सॉफ्ट बनते हैं। ओहो, इतनी जद्दोजहद के बाद ये आखिरी वाला लड्डू हमने बड़ी मुश्किल से बांध दिया है। आपने वो दुल्हे भट्टी वाली कहानी सुन ली तो आगे से ये नहीं बोलना कि वो दूल्हा है, कोई दूल्हा नहीं है, वो अब्दुल्ला भट्टी की बात हो रही है वहां पे। करंची है, अभी तक है, आगे भी रहेगा। देखिए मेरे साथ जो हुआ है ना, वो अक्सर लोहड़ी के अंत में होता है, चिल्ला चिल्ला के गला ख़राब हो जाता है, रेवड़ियाँ खा खा के। मैंने इतने सारे लड्डू खा लिए, गला ख़राब हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ लोहड़ी पे जब आग के अंदर कुछ डालते हैं तो कहते हैं ईसर आ दलिद्र जा, मतलब भगवान आए और दरिद्र यानी कि दुख चला जाए, और भगवान मतलब सूरज, दुख मतलब डार्कनेस। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इस लोहड़ी पे आपके घर भी ईश्वर आए और दरिद्र चला जाए। और अब तो आपको मतलब इस गाने का मतलब भी पता है ना, भले ही चिल्ला चिल्ला के मेरा गला ख़राब हो गया हो और ये गज्जक खा खा के मेरा गला ख़राब हो गया हो, आपको गाने का मतलब पता है, आपको रेसिपी पता है, मेरी ज़िंदगी जो है ऐसे ही व्यतीत हो जाएगी खुशी खुशी, ठीक है जी। लोहड़ी हो ना हो, दरिद्र को भगाने का मौका मत छोड़िए, ठीक है। खुशी सेलिब्रेट करने का मौका मत छोड़िए और साथ जुड़ने का मौका मत छोड़िए। बहुत ज्ञान हो गया, रेसिपी बनाना मत छोड़िए, थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलेंगे फिर, हैं, गॉड इज़ ग्रेट।